हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे डिबगिंग के बारे में। तो देखिए, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग और मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग दोनों को पढ़ने के दौरान हम लोगों ने देखा था पिछले लेक्चर्स में कि बार बार ये वर्ड आता था डिबगिंग। तो डिबगिंग का क्या मतलब होता है? देखिए, डिबगिंग का मतलब ये होता है, पहले बग का मतलब आप समझ लीजिए कि टुडे वी विल डिस्कस डिबगिंग। अब देखिए, प्रोग्रामिंग टर्मिनोलॉजी में या जब हम प्रोग्रामिंग के संबंध में बात करते हैं तो उसमें ये जो वर्ड आता है बग, इस बग का मतलब होता है एरर। सीधी सी बात है, जो कहते हैं ना प्रोग्राम में बग आ गया, बग आ गया, बग आ गया, तो बग का सिंपल मतलब होता है कि देयर इज सम एरर। तो बग का मीनिंग होती है एरर इन कंप्यूटर साइंस। सो अब इस हिसाब से अगर हम डीबग की बात करें तो डीबग का मतलब ये हो गया कि एरर्स को रिमूव करना, टू रिमूव एरर, दैट इज कॉल्ड डीबगिंग। ठीक है, तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि डीबगिंग इज ए टेक्निक, डीबगिंग इज ए टेक्निक ऑफ रिमूविंग एरर। मतलब डिबगिंग एक टेक्निक है जिससे हम एरर्स को रिमूव करते हैं किसी भी प्रोग्राम के अंदर। अब इसमें बात यह आती है कि डिबगिंग, देखिए, डिबगिंग इज ए टेडियस टास्क एंड रिक्वायर्स फुल अटेंशन ऑन द लेवल ऑफ प्रोग्रामर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम है, बहुत ही सरदर्द वाला काम है, टेडियस टास्क है, और प्रोग्रामर इसको पूरी अटेंशन के साथ ही, फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ ही कर सकते हैं। बग्स कैन अकर बिकॉज ऑफ मेनी रीजन। तो अब प्रोग्राम में जो बग्स आते हैं, जो बार बार एरर हम नहीं यूज करेंगे, बग ही बोलेंगे, कि बग्स जो आते हैं वो दो तीन कारणों से आते हैं। पहला क्या है कि अगर डिजाइन फेज में ही, अगर डिजाइनिंग के टाइम में ही एरर आ गई हो, डिजाइनिंग के टाइम ही प्रोग्रामर की से कुछ गलती हो गई हो और एरर आ गई हो, उस वजह से प्रोग्राम में बग आते हैं। सेकेंड क्या है कि डिजाइनिंग में कोई दिक्कत नहीं है, कोडिंग करते टाइम गलती हो गई हो, ठीक है, तो कोडिंग एरर की वजह से भी बग आते हैं प्रोग्राम में। और मान लीजिए डिजाइनिंग भी ठीक है, कोडिंग भी ठीक है, तो कुछ जो बग आते हैं वो आते हैं रन टाइम। रन टाइम एरर क्या होते हैं वो भी हम लोग बात करेंगे। तो इन तीन कारणों से प्रोग्राम में बग आते हैं। पहला क्या है कि उसकी डिजाइनिंग में कोई प्रॉब्लम हो उस वजह से। दूसरा क्या है कि डिजाइनिंग ठीक अगर मान लीजिए है भी, तो भी अगर कोडिंग में कोई दिक्कत हो गई, कोडिंग करते टाइम कोई गलती हो गई, उस वजह से एरर आ सकते हैं। और तीसरा स्टेप है कि रन टाइम, मतलब प्रोग्राम हमने डिजाइन कर लिया, कोडिंग कर ली, उसको कंपाइल कर लिया, जीरो एरर आ गया। ठीक है, देखिए, कंपाइलेशन और आपका एग्जीक्यूशन दो अलग पार्ट होते हैं प्रोग्राम के, ठीक है, ये हमने प्रीवियस वीडियोज में बताया हुआ है, आप जाइए इसमें चैनल पे सारी वीडियोस पढ़ी हैं। तो प्रोग्राम को पहले हम लिखते हैं, मतलब उसको टेक्निकली सही टर्म बोले तो कोडिंग करते हैं, कोडिंग के बाद उसको कंपाइल करते हैं, एरर रिमूव, वो कंपाइलेशन एरर रिमूव करते हैं, और फिर उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो अगर मान लीजिए कंपाइलेशन एरर जो है जीरो भी है, और जब हम प्रोग्राम रन करा रहे हैं तो प्रॉब्लम आ रही है, प्रोग्राम रन नहीं कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड रन टाइम एरर। ठीक है, तो इन तीन कारणों से प्रोग्राम में बग आते हैं या प्रोग्राम में एरर हो जाती है। अब एरर देखिए कई तरह की होती है। अगर हम एरर्स की बात करेंगे तो अगर हम मान लीजिए हम एक क्लासिफाई करें एरर्स को, तो एरर जो है आप ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं चार तरह से। जैसे एक हो गया आपका सिंटैक्स एरर, सिंटैक्स एरर। सेकेंड हो गया आपका सिमेंटिक एरर, सिमेंटिक एरर। थर्ड है आपका रन टाइम एरर, रन टाइम एरर। और फोर्थ है आपका लॉजिक एरर। तो ये चार तरह के एरर पॉसिबल हैं प्रोग्राम के अंदर, सिंटेक्स एरर, सिमेंटिक एरर, रन टाइम एरर, लॉजिक एरर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है इन चारों टाइप के एरर को हम लोग ब्रीफली डिस्कस करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पहला जो है आपका वो है सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स एरर क्या होता है? नाउ फर्स्ट वी स्टार्ट विद सिंटेक्स एरर। ठीक है, सिंटेक्स एरर क्या होता है कि देखिए, सिंटेक्स इज डिजाइंड एज वे टू राइट ए कमांड, दैट इज
सिंटैक्स इज ग्रामर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए सिंटैक्स माने क्या होता है, सिंटैक्स मतलब जैसे हम लोग इंग्लिश में ग्रामर यूज करते हैं किसी भी इंग्लिश सेंटेंस को लिखने के लिए, वैसे ही प्रोग्रामिंग का जो ग्रामर है वो सिंटैक्स कहलाता है। सिंटैक्स एरर मतलब कि प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट लिखने में आपने कोई गलती कर दी है, कोई सिंटैक्स कोई ग्रामेटिकल एरर कर दिया आपने, ऐसे समझ लीजिए। एनी वायोलेशन ऑफ ए ग्रामर रूल विल लीड टू एन एरर। ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉलो ए सेट ऑफ रूल्स टू राइट कमांड्स। एनी डेविएशन फ्रॉम दीज रूल्स कॉजेज एरर्स। दीज एरर्स आर कॉल्ड सिंटेक्स एरर। ठीक है, तो हर देखिए हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हम लोग बात करें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, उसमें क्या है कि कमांड्स को लिखने का एक सर्टेन फॉर्मेट, एकदम आसान लैंग्वेज में आपको बता रहे हैं, एक सर्टेन फॉर्मेट या सिंटेक्स दिया हुआ है कि अगर आपको भाई कोई चीज इनपुट करानी है तो आपको इसी तरह लिखना है, आपको आउटपुट करानी है तो इसी तरह लिखना है। अगर आप उसमें गड़बड़ी करेंगे तो सिंटेक्स एरर आ जाएगी। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें, सपोज कीजिए कि हमने कहा कि हमें कोई वैल्यू इनपुट करानी है, कोई वैल्यू हमें इनपुट करानी है ए और बी, और हम यूज कर रहे हैं सी लैंग्वेज, ऐसे आप समझ लीजिए। तो हमें मालूम है कि इनपुट कराने के लिए हमें सी में क्या दिया हुआ, हम ऐसे देंगे स्कैनफ। फिर हम यहाँ क्या करेंगे, स्कैनफ में हम लोग यहाँ पे मान लीजिए हमें इंटीजर टाइप डाटा इनपुट कराना है, कैसा इंटीजर डाटा। ठीक, तो हम यहाँ देंगे परसेंटेज डी, दो डाटा है तो फिर हम लिखेंगे इसके लिए परसेंटेज डी, ये लिया हमने कॉमा लिया, एम परसेंट ए लगाएंगे और एम परसेंट बी लगाएंगे। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है सी लैंग्वेज में कि यहाँ पे हम ऐसे डाटा टाइप देंगे, यहाँ पे हम जो इनपुट वेरिएबल है उसका नाम देंगे, एम परसेंट लगाएंगे इनपुट के लिए, यहाँ पे भी एम परसेंट लगाए, तो ये एक सिंटेक्स दिया हुआ है सी लैंग्वेज में। अब मान लीजिए अगर किसी ने सपोज कीजिए स्कैनएफ लिखा और उसने कहा कि भाई हम ऐसे लिखते हैं परसेंटेज, दो वेरिएबल है तो परसेंटेज डी डी हमने लिख दिया दो कर लिए, और यहाँ हम एम परसेंट ए और एम परसेंट बी लिखाएंगे, तो इस स्टेटमेंट को जब आप रन करेंगे ना इस स्टेटमेंट को, तो वो सिंटेक्स एरर दिखाएगा। या किसी ने ऐसे कहा कि हमने लिख दिया स्कैनएफ और परसेंटेज डी ऐसे लिखा उसने, एम परसेंट ए कॉमा बी उसने ऐसे लिख दिया, ठीक है कि भाई ए और बी दोनों आ गए इस एम परसेंट में, तो भी ये एरर दिखाएगा, समझ गए। तो इस तरह की जो एरर्स होती है वो कहलाती है सिंटेक्स एरर। और सिंटेक्स एरर क्यों आती है, सिंटेक्स एरर्स आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ वायोलेटिंग रूल्स ऑफ ग्रामर एंड आर प्रेडिक्टेबल इन नेचर। तो सिंटेक्स एरर जो आती है वो इसलिए आती है कि हम ग्रामर के रूल्स को वायोलेट करते हैं, और इस सिंटेक्स एरर को प्रेडिक्ट किया जा सकता है, मतलब कि भाई ये एरर आ रही है इसका मतलब इस जगह पे गलती है। ठीक, आगे क्या कह रहा है कि सिंटेक्स एरर यूजुअली प्रिवेंट एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम फ्रॉम इवन स्टार्टिंग। अगर आपके प्रोग्राम में सिंटेक्स एरर है तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट ही नहीं होगा, मतलब स्टार्ट होते ही वो एरर दिखा देगा। अदर काइंड्स ऑफ एरर में अलाउ एग्जीक्यूशन टू बिगेन बट कॉज इट टू टर्मिनेट प्रीमेच्योरली। सिंटेक्स एरर में क्या होता है कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्टिंग से ही एरर दिखाने लगता है, मतलब एग्जीक्यूशन शुरू नहीं होता है। और अदर एरर्स में क्या होता है कि एग्जीक्यूशन शुरू होता है लेकिन कुछ टाइम के बाद, कुछ स्टेप्स के बाद वो टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। अब इसमें क्या है और जब भी कोई एरर आता है तो प्रोग्राम एक मैसेज देके, कोई एरर मैसेज देके प्रोग्राम जो है टर्मिनेट हो जाता है। ठीक, अब जैसे अब आप कहेंगे किस तरह के एरर मैसेज आ सकते हैं, तो जैसे मान लीजिए इस तरह का मैसेज आता है बैड डाटा करके, ठीक है, या हमने कहा कि बैड पैरामीटर्स करके, बैड पैरामीटर्स, या हमने कहा बैड वैल्यूज कह के, इस तरह का मैसेज दे के प्रोग्राम जो है प्री मेच्योर टर्मिनेशन हो जाता है। बैड डाटा का मतलब क्या हुआ कि जो डाटा आपने सप्लाई किया है, इनपुट टू बी सप्लाइड फॉर रीडिंग आइदर एबसेंट और नॉट ऑफ ए फॉर्म कंसिस्टेंट विद दैट द प्रोग्राम कॉल्स फॉर। मतलब अब जैसे यहाँ हमने एग्जाम्पल आपको दी थी कि यहाँ पे ये परसेंटेज डी हमने किस लिए यूज किया है, इंटीजर टाइप डाटा के लिए।
अब मान लीजिए ये लाइन हमने रन कराया प्रोग्राम का, अब वो कर्सर ब्लिंक कर रहा है, वो डाटा इनपुट का वेट कर रहा है। अब हमने यहाँ डिफाइन किया इंटीजर और एक इनपुट हमने कर दिया 4.5 और एंटर मार दिया, तो ये तुरंत यहाँ पे एरर आ जाएगा। क्यों? आपने डाटा डिफाइन किया इंटीजर टाइप के लिए और आप वैल्यू दे रहे हो फ्लोट की या पॉइंट वाली की, तो एरर आ जाएगा। या फिर दूसरी एग्जांपल बताएं आपको, मान लीजिए हमने ये रन कराया, कर्सर ब्लिंक कर रहा है इनपुट वैल्यू के लिए, और हमने इनपुट कर दिया से ए, एंटर कर दिया, तो भी वो एरर दिखा देगा। क्यों? क्योंकि डाटा टाइप इंटीजर चाहिए। इंटीजर मतलब हमने इनपुट किया से 7, एंटर, ये सही है। हमने फिर इनपुट किया बी के लिए 5, एंटर, ये सही है। मतलब जो डाटा टाइप आपने डिफाइन किया है उसी तरह का डाटा आप इनपुट करेंगे। तो बैड डाटा का मतलब कि या तो डाटा हमने दिया नहीं, और दिया तो जिस फॉर्मेट, जिस जिस तरह के डाटा को प्रोग्राम ने कॉल किया है उस तरह का डाटा हमने नहीं दिया। ठीक। सेकेंड आ जाइए बैड पैरामीटर्स। इसमें क्या है? वैल्यूज पास टू सब रूटीन्स नॉट बीइंग ऑफ द एक्सपेक्टेड टाइप और इनसफिशियंट क्वांटिटी। मतलब बैड पैरामीटर में ये आता है, जब सब रूटीन क्या होते हैं, ये सब आगे प्रोग्रामिंग में हम लोग चलेंगे तो समझेंगे, लेकिन अभी आप ये समझिए, सब रूटीन मतलब प्रोग्राम के अंदर जो छोटा प्रोग्राम बना हुआ है, मतलब जो मेन प्रोग्राम है उस छोटे प्रोग्राम को कॉल करता है, दैट इज कॉल्ड सब रूटीन। तो अब जो छोटा प्रोग्राम वो मेन प्रोग्राम को कॉल करेगा, तो जिस तरह की डाटा वैल्यू डिफाइंड है, अगर उस तरह की डाटा वैल्यू से नहीं आप उसको कॉल करेंगे तो वो बैड पैरामीटर दिखा देगा। फिर बैड वैल्यूज में न्यूमेरिकल वैल्यूज एक्सीडिंग एक्सपेक्टेड लिमिट। यस, क्योंकि देखिए जब भी आप कोई प्रोग्रामिंग आप पढ़ेंगे तो हर प्रोग्रामिंग में आप उसको क्या वैल्यू दे सकते हैं किसी भी डाटा को, वो रेंज डिफाइंड है। अगर उस रेंज से बड़ी वैल्यू आप देंगे तो ये बैड वैल्यूज करके प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं सिंटेक्स एरर के केस में। ठीक। तो आई होप कि आपको एरर्स क्या होते हैं, सिंटेक्स एरर क्या होता है, ये क्लियर हो गया होगा। अब जो बाकी तीन एरर्स हैं, अभी हम लोगों ने जो बात किया था टाइप ऑफ एरर में, तो देखिए सिंटेक्स एरर तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सिमेंटिक एरर, रन टाइम एरर और लॉजिक एरर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो डाली जाए उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।